टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की निगरानी के लिए बनेगी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बीएआरसी। तमाम प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं और सूचना प्रसारण मंत्रालय की बैठक में इसका ऐलान किया गया। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने फिर दोहराया कि सरकार चैनलों पर सेंसरशिप नहीं थोपने जा रही। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि सरकार चैनलों पर सेंसरशिप नहीं थोपने जा रही है। टीआरपी के दबाव में काम करते हैं टेलीविजन चैनल। क्या टीआरपी का दबाव चैनलों के कंटेंट पर असर डाल रहा है? इसी मसले पर विचार करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और सीआईआई की मदद से दिल्ली में तमाम चैनलों के सर्वेसर्वा, एडवर्टाइजर्स और टैम के अधिकारी पहली बार एक साथ बैठे। मैं ये बात मानती हूँ कि 100 करोड़ से ऊपर आबादी के लिए 10,000 डब्बे ये नहीं तय कर सकते कि भारत के व्यूअर्स की चॉइस क्या है। बैठक में आम राय बनी कि तमाम चैनल सेल्फ रेगुलेशन के जरिए ही अपने कंटेंट को ऐसा बनाएंगे जिससे सामाजिक ताना बाना ना बिगड़े। साथ ही टीआरपी की निगरानी के लिए 2 हफ्ते के भीतर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बीएआरसी के गठन का फैसला लिया गया। आईबीएफ इसकी अगुवाई कर रहा है। तब तक जो है बार्क बनने के बाद में जो टैम रेटिंग के है तो उनसे जब तक वेंडर एज ए वेंडर की सर्विस रहेगी ये तो उनसे सवाल पूछना, उसको रेगुलेट करना, उनसे प्रश्न करना, उनको सहयोग करना, उनका सहयोग लेना, वो साथ साथ चलेगा। अभी तो कोई है नहीं उनके ऊपर। टीआरपी सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए बीएआरसी ही आगे जाकर आमूलचूल परिवर्तन सुझाएगी। लेकिन चैनलों पर अस्थि दबाव टीआरपी रेटिंग्स का होता है और शायद इसीलिए अब बीएआरसी बनाने की बात हुई है। वो बीएआरसी जो टीआरपी पर नजर रखेगी और आम जनता की पसंद सीधे चैनलों तक पहुंचाएगी। सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक।